साध में बजा खुशी कर बाजा। काल तो बनी राम जी राजा, होत सवेरे प्रभु जी चला गए बनवास। भैया एक शेर बा, भरत जी ननियउरे से आए सवेरे, देख अवधपुर में प्रजा दुहारे। भरत जी नाराज होए, बटिष्ठ जी से कहने लगे, साई तो तुझे तू झूठ बोलत लवारे। भैया बनवास गई अवध में उदासी छाए, अभी रहा प्रियगिनी जलाइन महतारे। राम कैलाश कहे प्रभु जी के रोके के, भगतन के कारण वन में गए तारे। गुरु महाराज ने कहा, महाराज हमके काहे बिगड़त है भरत जी, प्रभु जी के रोके कौन जहां जवन काम करे के बहुत करबे करी हन। ते ही पिक्षी तर्ज बा, सानन नरतिया डोल बहई जब पवनवा हो, सानन नरतिया डोल हो। इसी बोल में कहना है, कुरसी लालच छोड़े प्रभु जी गई ने बनवारा। लालच छोड़े प्रभु जी गई ने बनवारा, लालच छोड़े प्रभु जी गई ने बनवारा। लयटारी छोड़े दुख उचैनवारा, लयटारी छोड़े सुख उचैनवारा, नवारा। सुनने वाले भाई आप लोग तो समझदार हैं, महान हैं। कुर्सी का लालच छोड़ दे, अयोध्या का राज नहीं पूरे संसार के काम करे के बदे प्रभु अपन कुर्सी का त्याग कर दे, घर और घरे से कुछ लेके जाता नहीं है। और आज के आदमी तो देखता है कुर्सी बदे का का कर दे, मारत भई है मरत भई है, लेकिन एक यही बजे ते अवतार नाम पर आना। तो बोल भाई आगे कहां पहुंचे, सिंह मेरपुर में पहुंचे, गंगा के किनारा वाराम। सिंह मेरपुर में पहुंचे, गंगा के किनारा वाराम। सिंह मेरपुर में पहुंचे, गंगा के किनारा वाराम। बिरहा शुरुआत है कि बिरहा से दर्दवा, पैदर पहुंचे कहां, फैजाबाद से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फिर इलाहाबाद पहुंचे। वाह, तो केवट देख के चिन्ह गए और बाकी बीच में लोग कोई चिन्हबो नहीं किए। जब पहुंचे गंगा के किनारे तो होत का बा केवट, दोनहू परानी धोआ प्रभु का चरण वाला। दोनहू परानी धोआ प्रभु
जब पार भइले केवट खड़ा बा समनवा हो राम। सोचत हैं राम के पास कुछ नहीं, लक्ष्मण के पास कुछ नहीं, सोचत हैं केवट खड़ा बा का देइए की। माँ जानकी सोचिन कुछ देना भी चाहिए। केवट जब सामने बा तो माँ करत का है जानकी जी। राम जब पार भइले केवट खड़ा बा समनवा हो राम। सिया उतराई देत हई अंगूठी निशनवा। सिया उतराई देत हई अंगूठी निशनवा राम। सिया उतराई देत हई अंगूठी निशनवा राम। बोले समन ले भई केवट बोलेन हमन ले बई। रोवई हरि नयनवा राम। प्रभु प्रभु हमके कुछ न चाहे, जब देखब प्रभु तो एक चीज दे दें आप। इत छोटी मोटी नदिया बड़की नदिया पार कई दे है मालिक। बड़की नदिया पार कई दी हले यही बा मंगनवा हो राम। राम आगे बढ़ गए थे ठीक। चित्रकोट में जब पहुंचे चित्रकोट ने दी हलनी है भगतन के दियनवा। कुछ रोज रहे भक्तन के ज्ञान दिया प्रभु पहचान कराए फिर ही आगे बढ़े। फिर होत का बा चित्रकोट में रही के दिहले भगतन के ज्ञानवा हो राम। कुछ समय बीतत होई गे सिया कहरनवा। कुछ समय बीतत होई गे सिया कहरनवा राम। कुछ समय बीतत होई गे सिया कहरनवा राम। समय की बात या कुछ समय बीतत होई गसिया कहरनवा राम। और सिया कहरनवा वो पिता कमरनवा राम। सिया कहरनवा वो पिता कमरनवा राम। सिया कहरनवा वो पिता कमरनवा राम। सिया कहरनवा फिर क्या भैया जब भगवान पहुंचत हैं अपने आश्रम पर गोदवरिया किनारे तो देखत हैं तो सीता जी ने बा। फिर हिया से और बिरह पैदा होई गई दर्द होई गई भक्तन के बिरह में तो चल दे जंगल में
हिया आए तो सीता कहरन और पिता का मरन। और जब देखत है आसनम पर तो सीता नहीं, तो समय में थोड़ा से तर्ज बदल गया बाबा। कभो कभो हमारे हिया चौलर कजरी के हथिये की हाय, अरे पूछाई बिरछन से रघुराई, सिया जी के कावन हरे। स्वयं प्रभु भगवान स्वयं मालिक सबसे पूछत है क्या लीला चल रहा है। संसार का मालिक के अवतार लेके आया है, लेकिन देश के जनाने के लिए कि औरत के वियोग में कितना दुखी होना चाहिए। रहा तो लीला, मेरे दोस्तों कहना है मालिक और का करता है। काकर पाथर से बतियावाई के उना सिया का पता बतावाई, के उना सिया का पता बतावाई, के उना सिया का पता बतावाई। लता पता से विपत सुनावाई, भगवान रो रो आंसू बहावाई। हम तो से पूछिए रे हमरे रामा, हम तो से पूछी रे लक्ष्मण भाई, सिया जी के कावन रे दादी। हम तो से पूछी रे लक्ष्मण भाई, सिया जी के कावन रे दादी। हम तो से पूछी रे लक्ष्मण भाई, सिया जी के कावन रे तो पता नहीं लागत है। आगे बढ़त है तो गिद्धराज ओहर जब सिया के लेकर रावण जाता तो उसे लड़ाई ले लेन, वो मारे बांध कुल डंखवा पंखवा कट के गिद्धराज कलथा था रोवा था। तब से मालिक हुआ पहुंचत है। पहुंचे गिद्धराज के पास, आवत जात की भगवान लिहल गोदमी खास, गिद्धराज के दिहनी स्वर्गवास। प्रभु जी आगे कदम बढ़ाई, सिया जी के कावन रे। प्रभु जी आगे कदम बढ़ाई, सिया जी के कावन रे। प्रभु जी आगे कदम बढ़ाई, सिया जी के कावन रे। विपत ने विपत गिद्धराज के दुखद देख के प्रभु जी स्वयं रोवत हैं। सीता बदे तो रोते ही हैं, भक्त के बदे रोवत हैं कि इतनी भक्ति ये चिड़ई हो कि करता हूँ। ये भक्ति आप सुनत हैं, सोचें समझें काहे लिखा गया, काहे परमात्मा केहन। आगे फिर बढ़त हैं, अब कहाँ जात हैं। और 88,000 ऋषि तपस्या करते हैं कि प्रभु वनवास में आए हैं जरूर है। लेकिन सेवरी की तपस्या अलग ही चलते हैं, पर तर्ज बदल उतर चौलर कजरी रही, लेकिन एक कजरी शायरी चलता है। सेवरी की खुशियाली पर कवि ने लिखा, सेवरी प्रेम विरह में प्रभु की रह निहारत बाटी, और चारों तरफ
भारत बाटी राम नाम धुन गावत अठासी हजार ऋषि सब सोचत हैं सेवरा चारों तरफ सफाई करवाओत हैं हर की यही उहर की यही कैसे यही कहाँ यही और सब मजे लेत हैं कि हमारे सबके यहाँ ही बड़बड़वारे की हैं कि करे मुसहिनी के यहाँ आई घमंड तो सबके रहा और सेवरी के पास घमंड ना ही रहा उसके सोचत रहे यही भगवान तो हमारे यहाँ कहना है क्या तो कहना का बा फिर एक बात सोचता कैसे आई केहर से आई दीन दुखी के दाता राम कैसे चिन्हब कैसे जानब के बतलाए प्रभु का नाम तीन लोक के मालिक प्रभु हैं जिनके चरण में सब सुख धाम आई का कर कैसे सेवा कर राम कर कहां करई बयो नहीं बिसराम अब वो करी तो कैसे सेवा कर भगवान है कहाँ लिटाओ का कर कैसे कर सोचता ही बेचारी फिर एक चिंता बा कवि ने लिखा का कि चिंता ई है एक बा भारी चिंता चिंता ई है एक बा भारी हम कैसे करबई सेवा अछूतीन है गरीबिन अपने के देह कारत बाटी चारों तरफ बहारत बाटी और राम नाम तुम गावत बाटी अंग्रेजी कर बात याद कर से बड़ी मन में करें विचार आई राम हमरे कुटिया पर ब्रह्म ऋषि ने कहा पुकार भक्त है तय उतार लिए प्रभु दुष्टन कर करी संघार और राम लक्ष्मण रुके कहू न पहुंचे सीधा से बरी के द्वार बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े महान संत महान सोचतन हो दिख बताओ हमारे सब कहीं आवे चाहे तो हम सहनिया कहीं चला जाते ई तमाशा देख ये भगवान है ये कैसन भगवान है ना आपस में सब बातचीत चलता ई देख यार पूरा भगवान नहीं है का जे जौ नहीं करता अब केहू को रोकयो के हिम्मत नहीं पड़ता जैसे गांव में कलेक्टर आ जाए कोनो गरीब बुढ़िया के मड़ई मोलियाए के पूछे कि बताओ बनारस का नक्शा मिर्जापुर के इलाहाबाद का नक्शा बताओ तो अब बुढ़िया बेचारी क्या बताओ कहां बताओ अब भगवान सीधा पहुंचे थे के रोके कैसे रोके कैसे रोके के रोके अब होत का बा तो जब सेवरा जे आवत थे सोचे मार रामा लेकिन मतंग ऋषि कह रहे हैं जब राम आई तो बिना कहे सुने तोरे यहाँ रुक जाई हैं तो जब सीधा पहुंच गए तब सेवरा जान गए प्रभु यही हैं तो सेवरा प्रभु के लखी पहचानी और मन में फूले नहीं समानी
कुसा कगुनरी बिछा के आसन पर बैठावत बाटी। ओ प्रभु क सूरत निहारत बाटी, राम नाम धुन जावत बाटी। हिया एक भक्ति के नमूना बड़ा सच्चा मिलत लाल जी। का मिलता कि चरण राम कर धो ऐसे बरा और नयन से आंसू की बरसात। आंचल से फेरी पांव पोंछती गिरी चरण पर मन अकुलात। चरना मृत संहार के रखई जीवन में पावा बड़ी सौगात। गद गद मन भगवन को भोवा पे प्रभु जी से कुछ कहा न जा। प्रभु भक्ति देख के उनकर मन गद गद हो के कुछ कहू न पावत है। अब सेवरा करत का है कि कंद मूल फल फूल कंद मूल फल फूल लियावाई और जूठ बैरी प्रभु के खियावाई। जूठ बैरी मुहिम से निकाल निकाल रखी तो लक्ष्मण के बड़ा गरम चढ़ाता नाराज होते हैं कि तो पगलानी बाटे भैयो पगलान है। मेरे दोस्तों हिया तक लिखा गवा बा कि लक्ष्मण नहीं बैर खाए नहीं खान वही बैर जाय के दवाई भाई जे शक्तिवान लाग रहा। तो कहबे के भाग बा से बरा खुशी मनावाई कंद मूल फल फूल लियावाई प्रभु के जूठे बैरी खियावाई। प्रभु जी बैरी खात है से बरा सब सुख पावत बाटी और राम नाम धुन गावत बाटी। स्वयं सब कहे हे यार सब ऋषि कहत हैं कि हो दिख जूठे बैर खिया सो खायु नहीं। हाँ। सब एक दिना मीटिंग करते रहे रामचंद्र जी मीटिंग करते रहे सब कहे हे यार बड़े मौके से भगवान आए हैं न होते तो इस सरोवर जवन बा हम कीड़ा पर गए हैं हम कीड़ा पर गए हैं जा तक गुड़वा धोए के लिए उते यही में नहाय देते शायद कीड़ा खत्म हो जाते। सब जितना सब ऋषि मुनि जितना रहे सब अपन विचार के कहीं जा धो लिया लय गए धोए के लयान प्रभु के गोड़ और जब सरोवर में नहाय देन तो किरौना जौन एक एक ग्राम कर रहे हैं तो उन्हें पांच पांच दस दस ग्राम को सब सब कहे कस यार ई कवन जौन रात तो खराब हो ई कस तो ई में। अरे कहे अब का बताई सब लागिन मोही मोहा करे कहे यार न धोए हो तब ठीक रहा धोए के लिया यार भगवान है पूरा कि न हो कैसन होता है यार। तो हम एक समझदार रहे कहे देख ऐसे बात न बने ऐसे बात न बने तो जाओ नहीं से राय पूछे आखिर कैसे हुए। हाँ तो कहन महाराज कहे जौनो की रौनो ननहवार रहे कुल बड़वार हो गए तो भगवान कहत हैं राम कहत हैं कि कौनो भक्तन के तकलीफ तो नहीं दे रहे कहें कि नहीं महाराज वो सेवरी की पानी वानी नहीं भर देते रहे कहें तब वही से काम हुए।
अब गए सेवरा के लिए आई हो तो सेवरा का बड़ा अनुक है, अरे महाराज हम हमा कैसे चलब, अरे कहें भाई चल भगवान के बात बाट सेवरी के चरण धोई के नावा गवा तो कुल पानी में कीड़ा जितना रहें राम सुमेर सब खत्म हो। ये प्रभु का लीला है, ये क्षण में चाह जौन कर दें। अब वही समय में ये सब लीला देख के सेवरी के प्रभु जी ज्ञान देते हैं। रमे राम कर बोध कराएं सेवरा के प्रभु दई के ज्ञान, और नवधा भगति राम बताएं सेवा संगत सुमिरन लो जान। अंग संग राम के जब देख सेवरा का भगवान, जीवन सफल हमारे आज भयावागमन से बच गया। सेवरा जय जयकार, सेवरा जय जयकार मनावा, ओ मन मंदिर में राम बसावा। सेवरा खुशी होत है प्रभु का चरण दबावत बाटी, ओ प्रभु का सकल निहारत बाटी, और राम नाम सेवरा। अब प्रभु जी पूछत हैं सेवरा से, सेवा भक्ति देख से बरी कर, और राम बोले मधुरी बानी, ई सुख नाही पावा माँ के गोद में, और नाही अवध की रजधानी। एक बात बताओ सेवरा, राम कहां सीता जी कहां मिली, तू बताओ सीता महारानी। सेवरा का धन्य प्रभु हमसे पूछत है, कलेक्टर गांव में आवे केहू अनपढ़ आदमी से पूछे तो का होता। मेरे दोस्तों कहना है इतनी बखत में सेवरा भक्ति के नाता राम बतियात हैं कि ये सुख हम नहीं पाए रहे, अपने माँ के गोद में नहीं पावा, अवध की राजधानी में नहीं पावा, ये खुशी जौने खुशी सेवरा तू हो, लेकिन एक बात बता दो सेवरा कि सीता जी कहाँ मिली, कहाँ है वाह मालिक हमसे पूछत है, पूछत है तो तुहार सुमिरन कई के मालिक हम बताओ। मालिक पंपापुर में जाओ नाथ, पंपा पंपापुर में जाओ नाथ, मिली सुग्रेम से होगा साथ, साथी बनी सुग्रेम जी, सारा काम करेंगी भेलनी पता बतावत बाटी, ओ प्रभु कर निहारत बाटी, ओ राम नाम धुन गावत बाटी। सारा काम करेंगे भेलनी पता बतावत बाटी, प्रभु कर निहारत बाटी, राम नाम चल दिन आगे। जरा टेरी के बोल बाट विद्या प्रकाश, हाय मितैया सुग्रेम से भई, अरे मितैया हो राम सुग्रेम से भई,
पंपापुर में पहुंचे राम लक्ष्मण भैया मीतैया सुगरेन से भाई। पंपापुर में पहुंचे राम लक्ष्मण भैया मीतैया सुगरेन पंपापुर में पहुंचे राम लक्ष्मण भैया भाई। आपन दुख बतावत हैं प्रभु आपन बतावत हैं आपन बतावे न पान पूरा तब से सुग्रीव रोवे लागे दुई दुखिया से भेंट होई गे। एक प्रभु दुखिया है तनी बखत और हर भक्तो दुखी गे। तो प्रभु जी आपन विपत्ति बतावाई और सुगरे में अपन दुख रोई रोई समझावाई मितैया सुगरेम से भई। काई वाली सगा भाई आज बन गईले मुदैया विपतिया सुगरे क्या मजे की बात है। सोचे पर हमार हम सोचे तक धन है प्रभु कहां चल अब तोहार काम पहले हुए हमार देखा जाते बाद में। ये प्रभु भक्तन का काम करते हैं आपन काम पीछे करते हैं। आवाज को लोग आवाज को नेता बर मरे चाह कन्या सुमंगली से काम। मेरे दोस्तों यही पे की तर्ज बदलिए तर्जवा भैया की पटना से बैदा बुलाई दे पटना से बैदा बुलाई दे कुम्ही लाई गे ही बोल बा तो बाली के मारा भगवान हो सुगरीम बने राजा बाली के मारे भगवान हो सुगरीम बने राजा बाली के मारे भगवान हो सुगरीम बने राजा बानर सब कैले सम्मान हो सुगरीम बने राजा ओट ओट नहीं भाई ओटिंग नहीं भाई। अच्छा कोनो घुसा कोर नहीं चला पैसा ऐसे आजकल चलता ऐसा नहीं रहा प्रभु के समय में। क्या तब तो परमानेंट बात चलत बाटे कहाँ द्वापर कहाँ त्रेता कहाँ आज कलयुग में चर्चा चलता। और हमारे यहाँ के नेतन के चर्चा तो लोग कजनी कितना गरियावत रहते कि कजनी कहिया कुर्सी छोड़ दे। तो मेरे दोस्तों कहना का बा इतना ही नहीं बा जब बाली के मारा तब हनुमान जी का कहते हैं हनुमत कहाँ हम पता लियो बई और सिया का खोज जल्दी कहीं नहीं बई फिर लंका गए नी बलवान हो सुग्रीव बने राजा से बतियाने हर और उपार उपार के फेंकन फाकन करे बाद लंका वो जलाए दे। लंका जलाए के जब लौटत है तब का होता फिर भी रहा आई गे और लंका जलाए के जब लौटे बलवानवा एहर में घनाद मार दिए थी लक्ष्मण के बानवा लक्ष्मण कहनी करत पार सुग्रीव बने राजा भैया हनुमान जी कतौ नहीं कारत नहीं है जवन काम परत कतौ नहीं करबन के न भगवान से पूछेन।
जौन भगवान के इशारा मिले तौन काम करे भी तैयार हैं। यही बदे आप लोग अंदाज लगाओ, जितना हनुमान जी के पूजा होता उतना राम का नहीं होता है। वाह, इसलिए जब कतो राम चंद्र हरण का मूर्ति रहत 10 किलो 15 किलो का, तो वही जगह हनुमान जी का 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल का रहत। और रामचंद्र के मिठाई भगवान के चढ़े तो 1 पौआ 1.5 पौआ, और जब हनुमान जी के चढ़े तो 1.25 किलो 1.75 क्विंटल। क्या बात है। तब तो बाबा तुलसीदास के लिखे के परा कि मोरे मने अधिक विश्वास राम से बढ़ी कर राम कर दासा। भगवान भगत से बस भी मेरे दोस्तों। फिर हनुमान जी के हुकुम गायन कहा, हनुमान जी जाकर मूल सजीवन लियाए और बैद सुखेन पीसी के लियाए। लक्ष्मण के बची गए जान हो सुगरीब भाई, जब भगवान बहुत रोएन फिर रोएन कि हर पिता मरे, हर सीता का पता नहीं, हर भैया के मतलब परेशानी ब्या, आप का करी। यही जगह पर भाई का नाता देखे कितना रोवत है राम, लेकिन जब दवाई पियन उहे दवाई लाल जी काम के जोन बैर जूठी फेंके रहे नहीं खाए रहे। मेरे दोस्तों फिर क्या हुआ, अब सब खुशी मनावे बन में लागे और जब लक्ष्मण होश में जागे लड़ैया मितैया सुगरें से भई, और जंगल में खुशी मनावे जब चहक लगी चिड़ैया मितैया सुगरें से भई। मेरे दोस्तों दुई लाइन आल्हादास नमूना में रखा था, अब भोजपुरी में एक गीत बा आल्हा का, हाय हाँ भैया भले सुर बढ़ाई देते हैं, बढ़ाई दे भैया, हाय अरे माई के मरनवा वहाँ दिन यखर और जौन दिन बिटिया जाई लाग ससुर। और बाबू के मरनवा रे वहाँ दिन यखर जौन दीना द्वारे पर आवई कर जीदार। और भाई के मरनवा हो वही दिन यखर जौन दीना दुश्मन बोली बोल ललका। ए भैया और बहिनी के मरनवा हो दिन जौन दिन आया वही सावन राखी ते पति के मरनवा हो बिना दुलाहा कल के तोर दुलाहिन के मारा नवारे
बिना दूल्हन के घरवा लागिया एक नमूना रहा है आपके लिए इसी बोल में लिखा बा अरे भाई ली लड़ैया फिर से रन खेतवा मेरे बाबू मेघनाद कसर लक्ष्मण काटन कटा हुआ भूजा जाके लिखत आंगन लिखत बा देवहरिया पर सारा समाचार लिखत बा देवहरिया पर सारा समाचार लिया कोई घर में हमारे जोड़ाई काली खानी पहिके रोवता दिलो चनी हाली हाली करै लागी तोरा हसिनारा एक दिन आऊ जवन सैया हमके आन के लाए प्रभु का दीदारा डोलिया पहुंची गई राम के समाजिया में बानर सेना हंसै सब ठठवा के मारा देखत गए वाह मेघनाथ के मूल कटत रावणवा वा देखत है सीता माता के वापस कह दे तो सीता माता के डोली आवता भभीषण कहे ऐसन न भैया कहे का काले भभीषण धोखा होत बाटे बबुआ काले भभीषण धोखा होत बाटे बबुआ काले भभीषण धोखा होत बाटे बबुआ ना ना तू तरे धोखे में है इत हमरे घरवा का हुआ बहुआ अरे इत हमरे घरवा का हुआ बहुआ या पहुंची प्रभु के समझिया या पहुंची गले प्रभु के समझिया या पहुंची गले प्रभु के समझिया प्रभु के चरणिया में गिरी भराए अरे प्रभु के चरणिया में गिरी भराए के आए मोरे मालिक शीश देवे जिंदा हुई है दुल्हा हमारा सब पानर का ना 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 भला मालिक आप बताओ बिना जीव के भुजा अंगने में कैसे लिखी बताइए ए मायावती नारी के खेल देखिए ए लंका के नारी यही सब माया रूपी माया भी यही तब कहे मालिक कटा हुआ भुजा जब लिख सकत तो कटा हुआ शीश मंगवाओ सर के सामने जब हंसे तब एकर बात मानी जाए जाए ओहि शीश मंगाए तब के रखनिया समनावा मंगाए तब के रखनिया समनावा मंगाए तब के
सुलोचन रानी रोया सुगारा चारा थे मुखड़ा के पूछा था सुलोचन रानी हमारी नवारिया फसाया मजेदारा जाऊ नहीं हसबे तू हमारे सजनावा बदनामी होए हमारा तोहारा पतिव्रता धर्म दुनिया से चला गई है हंसी दे बकी रती सताए संसारा आगे कब हम नहीं जाना कि तू लड़ाई रन में लड़बे नहीं अपने बाप के बुलाए हुए हम अपने बाप के बुलाए थे और तोहार संती वही लड़ाई लड़ते तब बना कटा हुआ शीश के मुंह से थोड़ी थोड़ी गुनगुनाहट या होता कि अरे एकर बापे तो हमके मारे से आई कहत हम बाप के बुलाई तो मदद कराई बाप रे बाप एकर मतलब आप लोग जानत है आप लोग लिखे हैं आप लोग समझे ये के शेषा अवतार लक्ष्मण का और शेष का लड़की सती सुलोचना ए जब मतलब पाए शीश इतना तेजी से हंसा कि लिखे वाले हिया तक लिखत हैं कि मालूम होता कि बादर फाड़ के गिर पड़ा जमीन पर अरे मतलब समझ के माना शीश तो बहुत ही जोर खखाना मितैया सुगरें से भई कि ये कर बाप मारे सी बाप का दे गवैया मितैया सुगरे बाबूजी एक लाइन कहरवा तर्ज या कहरवा के अर्थ होत कोहरवा तर्ज नहीं कहरवा जब कहर होता है तभी तर्ज होता है हाय अब सारी बानरी सेना प्रभु को देखता और यह जगह पर बड़े बड़े विचारक और बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े देवता सब सोचत हैं देखत हैं लीला क्या प्रभु का लीला चलता होत का बा हाए और कटा हुआ शीश सा सबके समानवा कटा हुआ शीश सा बानर का बड़ा जाना फटी गगनवा कटा हुआ सबके समानवा बड़े भाई जितना बानर हैं सब यहाँ क्योंकि देखते हैं का ये कहाँ से आवाज आवत है जब आवाज देखें तब होत का बा सब सोचते हैं कि बा ये फुराखर यार कटा हुआ भुजा लिखे हुए तब तो इसी सा
कहना का बाप शीश पाई के गई सी लोचान सागर के किनारा हुआ भाई साहब, आप लोग भी ध्यान देना चाहिए कि कौनो जोधा कौनो वीर चाहे आपन हो चाहे दुश्मन हो, मरे पर सोचे चाहे कि ये कितना वीर रहा, कितना बहादुर रहा, कैसे लड़ाई लड़त रहा, एकर सीख लेना चाहिए। बा इन है कि उम्र के बतला के खुशी मनावे तो कहबे के भाव बा, जब चीता सजावत है सब रोवत है, हम बचा क्यों ना है उतनी बखत। और चितवा बना के दिए लासिया लटाई, अरे चिता जब बनाए दिए लासी के लटाई और पति जी के साथ में सिलोचन जारी जाई, पति जी के साथ में सिलोचन जारी जाई, पति जी के साथ में सिलोचन जारी जाई। अरे वही समय देवता ऋषि मुनि सब देखत धरती गगनवा, वही समय देखत बाट धरती गगनवा, काटा हुआ थी आप लोग तो समझदार हैं, श्रोता बंधु रामायण के सब जानकार हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो। आप लोग खुद ही सोचें कि प्रभु का लीला एक अपरंपार है। पति के संघे में सती सिलोचना जल गई, अब बचा का एक के गलती से पूरा गलती होता, छोटवार गलती हो जाए तो के छोटवार जिन समझे वही छोटवारी से बड़वार बन जाते। जैसे कहो छोट का फोड़ा बा तो ओकर दवाई नहीं किया तो कहो बड़वार बन जाता, तो वैसे छोटा कोनो बात बन जाए बिगड़ के तो के जल्दी से तोड़ दिया कर, हटा दिया कर। मेरे दोस्तों कहना का है, और फेरी भैली लड़ाई वीर फेरी गईले मारी, अरे फिर भाई लड़ाई वीर सब गए मारी, विधवा सब हो गई नीलंकावा कनारी, अरे सबके बाद में मारा गवा पापी रवानवा, काटा हुआ थी सबके समानवा, बड़े भैया रावण मरा, राम बड़ा सोच में बैठा है, लक्ष्मण कहें
कि भैया आज तो खुशहाली मनावे चाहे कुछ, आप मोह लटका के बैठा है, आज तो दुश्मन मारा गन कहे नहीं लक्ष्मण, आज यह धरती पर सिटी जोधा चला गया। इसलिए ओकर नीत ओकर समझ जितना बा उतना किसी के पास लक्ष्मण रहा न। मरती समय लक्ष्मण से कहा जा लक्ष्मण देख ले। जब लक्ष्मण देख गए तो रावण हाथ जोड़ के कहा, लक्ष्मण तू जीते हम हार गए, हमार प्रभु से जय श्री राम कह देना। मरती समय कहा, मेरे दोस्तों तो लंका विजय राम कर आए, और अवध में सब ही खुशी मनाए, सब खुशियाली मची बा घरे घरे। ये आप देखे हो बलाल जी, रामचंद्र राम सुमेर विद्या प्रकाश सुनाई समझत है। भागीरथी से एक दिन हम कहत रहे, हम कहा यार पहले दशहरा होत पहले दिवाली का ही नहीं होते, तो कहे उस्ताद हम नहीं समझी, हम खोज किया, हम कहा जब दशहरा हो गया है तब दिवाली होत है, तो घरे घरे खुशी मची बाटे। और लंका से आए, जब लंका से आए भगवान हो सब गाँव भजनिया, हर घर में दीप दिवारी मनावे, अब दुखिया या सुखिया सबकी एक नजर में रोशनी देखाव, मिठाई खियावे लक्ष्मण बलवान सब गाँव भजनिया। अवध नगरिया में मची खुशहाली, यहीं पर गाना खत्म करत है हम हाली हाली। और सुमिरित बाबा गुणगान हो, हम बाबा का गाई गुणगान हो सब गाँव में भजनिया, अरे लंका विजय राम कर आए, घर में जब दीप जलाए मितैया सुगरे से भई, अरे राम कैला सतगुरु खेवत मरी नैया, मितैया सुगरे से भई।